नमस्कार। ये चार्ट के द्वारा मैं पूजा जी का एनालिसिस कर रहा हूँ, और इस एनालिसिस के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूजा जी हैं, बाय नेचर जो हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अपने मन से, अपने दिमाग से या अपनी बुद्धि से चलने वाले लड़की का चार्ट। हाँ, साथ ही साथ ये भी है, क्योंकि ये जो चार्ट है, ये इसमें जो उनका लग्न का स्वामी है और अष्टम भाव का जो स्वामी है वो सेम है, वो सेम होने से लाभ तो दे रहा है हर प्रकार के। इनको जीवन में कभी पैसे की या किसी भी रूप में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सेहत के इश्यूज या जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां, रुकावटें, वो थोड़ी सी आती रही। या कई ऐसे चार्ट में मैंने देखा है कि जातक जो अपने आप को बदलते रहते हैं, तो उनके काम में कई बार बदलाव होता है। अगर वो काम का बदलाव कर लें तो सेहत पे असर नहीं पड़ता, अगर काम का बदलाव नहीं करते हैं तो सेहत पे असर पड़ सकता है। बाकी जब आप ये वीडियो पाएंगे तो इसको एक बार जरा सुन लेंगे तो आप अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि मैं लेट हो गया इसको बनाने के लिए। दूसरी चीज मैं देखता हूं इनके चार्ट से, इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म के हिसाब से जो मैं देखता हूं, इनका शुक्रवार वाले दिन का जन्म है, फ्राइडे का जन्म। अब फ्राइडे की एनर्जी इनके अंदर ज्यादा रहती है। ये रंग रूप से नहीं मतलब होता, ये होता है कि फ्राइडे की धन की भी हो सकती है, किसी फीमेल की जो प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है वो हम कह सकते हैं कि उनका पैसा बनाने में, उनका बनने ठनने में जो फ्राइडे की एनर्जी को इनको बहुत यूज करना है अपने हर काम। और जहां मैं देख पा रहा हूं कि ये जब पैदा हुए इस टाइम के हिसाब से, ये शनि के होरा में पैदा हुए, तो इनको डेली रूटीन जो है अपना लाइफ का, अगर अपनी सेहत अच्छी करनी है, इनको एक रूल फॉलो करना है, समय पे तैयार होके अपने काम पे जाना ही जाना है। अगर ये काम नहीं करेंगी तो इनको दिक्कत आएगी। इनकी लाइफ में काम करने का मतलब है, शनि को रूल एंड रेगुलेशन पता है। अगर आपको सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है और शाम को 5 बजे आना है, तो यहाँ पर ही एनर्जी इनको लगानी है। जब ये काम पे नहीं जाएंगी, काम नहीं कर रही होंगी, इनको दिक्कत आएगी। जो मेरे अपने चार्ट एनालिसिस करने का तरीका है या मैं देख पाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जातक का अगर खुश रहना है तो उसकी अपने पूरे दिन की एनर्जी उस काम में लगानी चाहिए। अगर ये ऑफिस में ना जाए तो खाली ना बैठ, आराम से ना बैठ, क्योंकि शनि का काम आराम से बैठने का नहीं है। शनि का काम शरीर तोड़ मेहनत करने का है, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं तो आपको मेहनत करते रहना है। दूसरा मैं ये देख पाता हूँ कि इनका जॉब, अब इनका जॉब जो है एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट का, एक अच्छे एडवाइजर का, या आप ये कह सकते हो कि भाई क्या वर्ड मुझे यूज करना चाहिए इसके लिए, जिससे हम ये कह सके कि इनको प्रोमिनेंटली उस चीज की यूज करने में इनको अच्छा आना चाहिए। मतलब जो अपनी सोच है वो सोच को बहुत एडवांस रखे, एक समझदार, कहते कहते ना, इसका जो इनका करना भी है उसका सिंबल भी एलिफेंट का है। जो एलिफेंट है ना, उसको बहुत कुछ वो भाप लेता है, समय से पहले भाप लेता है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा नहीं है अगर अपनी वो मेहनत को करे। तो इनको एडवाइजर भी बनना है, प्योर एडवाइजर बनना है, सबके भले की भी सोचना है, और अपने प्रोफेशन में जब ये नहा धो के तैयार होके ऑफिस में या जहां पे भी काम कर रहे हैं, वहां पर इनका जो काम रहेगा किसी भी लेवल पे एडवाइजर का रहेगा। गुरु जो है वो चीजें बनाने के लिए नहीं, वो दूसरों को देने के लिए, शिक्षा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, ये इनके जीवन का ध्येय रहेगा, टारगेट रहेगा। इनकी एनर्जी जितना ये इसमें करेंगी स्पेंड, उतना ये ग्रो कर जाएंगे। तो इनके चार्ट से मुझे यही लगा, क्योंकि इनका फ्राइडे, सैटरडे और आप ये बोल लीजिए
अंदर की पर्सनैलिटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रोहिणी नक्षत्र है और जो सिद्धि वर्ण है, सिद्धि वर्ण है, तो सिद्धि वर्ण में भी क्या है ना कि बंदे को बहुत जिंदगी में सफलता मिलती है, स्किलफुल होते हैं ये, मतलब दूसरों से काम करवाते हैं, और मतलब इनके कई एरिया की इनको अच्छी खासी स्किल होती है, दूसरों को प्रोटेक्ट करने का भी इनका काम, ये इनका बाय नेचर है। तो इनका अगर मैं एक इतनी सारी चीजें बताने के बाद एक लेमैन से करता हूँ, इनका लाइफ का जितना ये फॉलो करेंगे कि भैया सुबह टाइम पे उठना, सुबह टाइम पे उठना है, नहाना धोना तैयार होना है और काम में लग जाना है। अगर ऑफिस नहीं भी जा रहे तो अपना एक शेड्यूल होना चाहिए घर पे जो रह रहे हो, चाहे खुद हाथ से काम कर रहे हैं या दूसरों से करवा रहे हैं। हाँ, एडवाइस का काम इनको जीवन भर देना ही होगा और देते ही रहेंगे। अगर ये किसी को एडवाइस नहीं देंगे तो भी इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए इनको एडवाइजर का काम जितना ये कर सकते हैं, और लोग इनके पास आएंगे क्योंकि इनका भगवान ने ही भेजा इनको, लोग दूसरों को एडवाइस देने के लिए, तो इनको एडवाइस देना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर में ज्यादा एडवाइस देने से दिक्कत होती है, तो बाहर बंदा वो एडवाइस दे आता है तो उसकी भी एनर्जी यूज हो जाती है और घर में भी वो भी दिक्कत नहीं होता। अब आते हैं जो मेन मुद्दा, जब कोई भी व्यक्ति कुंडली विशेष चाहता है, मैं चार्ट में हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं 2 ढाई साल से ज्यादा की प्रिडिक्शन ना करूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो बताया जा सकता है कि मैं आपको बता सकता हूं जैसे ही ये 49 साल के पूरे होंगे, 49 ईयर्स से पूरे हो जाएंगे, तो समझ लीजिए 50वां साल जब इनका चलेगा, 50 से 62 साल इनके कैरियर का पीक आएगा। अगर ये कैरियर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, 50 से 62 में ये बहुत मतलब कैरियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 12 साल की एनर्जी है जो जुपिटर ट्राइन के हिसाब से भयंकर रूप से इनको प्रोग्रेस दे रही है, जो अभी तक नहीं मिली होगी उससे कई गुना प्रोग्रेस इनको 50 साल से लेकर 62 साल में मिलेगी। वो एक अलग बात है, अब वो प्रोफेशन पति के साथ करेंगे या खुद का करेंगे, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इनको पॉलिटिक्स में या किसी ऐसे लेवल पे एंट्री एकदम मिल जाए, कोई इलेक्शन विलेक्शन लड़ना लग जाए, वो बंदे की अपनी सिलेक्शन होती है। तो लेकिन अभी फिलहाल तो एडवाइजर रहेंगे तो सैटर्न और जुपिटर प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर उसको अपने काम को ही फॉरेन कंट्रीज में बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फॉरेन से संबंधित कोई काम होगा या कोई मशीनरी से जो ऐसा संबंधित काम होगा। तो एक चीज हो गया। दूसरी बात है कि जैसा कुछ प्रॉपर्टीज के जो मुझे इश्यूज कह लीजिए, प्रॉपर्टी, मन, स्पिरिचुअलिटी या आप कह लीजिए डिटैचमेंट, इन सब का 49th ईयर, अभी इनके कुछ दिन बचे हुए हैं 48 ईयर कंप्लीट होने में, तो इनका 26/9/1975 का है, तो 48th ईयर इनका 26 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, 26 से इनका 49वां साल लगेगा। तो इनको प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी से कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी हो के जो भी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति यानी इनको मिलनी है, वो इनको मिलती ही दिखाई दे रही है। हाँ, उसमें कुछ काश नहीं हो सकता है या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज होगी, पर इनको ओवरऑल अगले साल 49th ईयर में मैं ऐसा उम्मीद सोच रहा हूँ कि इनका फाइनली जो एक शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मुझे दिख रहा है, जो आता है, वो यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। 49th ईयर में वो नहीं दिख रहा, 48 में, तो ये 49th के वो पहले कितने दिन बाद आएगा ये तो अंदाजन यही है कि भाई जब मिडल में पहुंच जाएगा, तो अगर समझो जब ये 49 के 49 साल के आसपास होंगे तो ये मुझे लगते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी ये चार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बदलाव अभी अगर मैं दशा के हिसाब से चलूं तो जुपिटर में राहु का पीरियड चल, जुपिटर में राहु का पीरियड इनका जो स्टार्ट हुआ है, दशा के हिसाब से करूंगा तो वो अगर मैं दशा के हिसाब से करके बताता हूँ आपको, ये तो त्रिभागी वेरिएशन वगैरह,
जो इनका मैंने दशा देखा था, जुपिटर में राहु का पीड़ चल रहा है, जो कि इनका 9 अप्रैल से ही, 9 अप्रैल 2023 से चला है, 5/9/2025 के बीच में चला है। तो इसी ट्राइन को मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि इनका एक्टिवेट रहेगा, तो जो छोटे भाई बहन हैं उनसे कोई विवाद, कोई कहासुनी या कोई लोन का फंक्शन, ये सब इनको रहेगा। फैमिली में इसी बात को लेके कहा सुनी, या आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो विशेष रूप से धन, जो पैतृक धन है, पैतृक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी प्रकार से फैमिली में वृद्धि होती हुई दिख रही है, या इस दौरान ये जो डिसीजन लेंगे वो सारे इनके डिसीजन इनको रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। एक सिंपल जो विंशोत्तरी दशा बता रही है कि इनका ये हाउसेज एक्टिवेटेड रहेंगे और इनसे इनको धन मिल सकता है। और एक अगर इसको वेरीफाई करने के लिए अगर मैं त्रिभागी वेरिएशन का लगाता हूँ, एक त्रिभागी वेरिएशन, तो इनका जो अभी पीरियड चल रहा है 2021 से 2027 में, वो भी वापिस राहु का ही चल रहा है, और इस पीरियड में यहाँ पर आज की डेट को ही हम पकड़ लें क्योंकि इनके बर्थडे के आसपास फिर वो मरकरी का आ जाएगा, तो इनका असेंडेंट और मरकरी लॉर्ड है यहाँ पर तीसरे और नौ, तो फॉरेन का जो सेटअप है या ट्रेवलिंग है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली इनके पीरियड में मुझे होती हुई दिख रही है। और इनका अपना खुद का जो काम भी है वो भी एक अच्छा ओवरऑल लाभ का दिखाई दे रहा है। तो ये पर्टिकुलरली जो पीरियड है 2025 तक का, इनके प्रॉपर्टी को लेके, इनके फैमिली का जो हिस्सा आना है, जो फाइनली सेटल्ड हो जाना चाहिए, और जो इनका कई रूप से वैसे इनको और जो आना चाहिए पैसा, वो आते हुए दिखाई दे रहा है, बिजनेस से या अपने जो भी परिवार से जो मिलना है वो कई रूप से दिख रहा है। हाँ, इस पीरियड में कई बार ये हो सकता है कि अगर ये, क्योंकि वो केतु भी वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा उस पीरियड में, जब मुझे दिख रहा है, जब पैसा आएगा, तो इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो है फेस वाले पोर्शन का, इस फेस वाले पोर्शन का ध्यान रखना चाहिए। इस पे कई बार कटवट लग सकता है या कहीं कोई स्टिचेस की नौबत आने की पड़ सकती है, तो जो भी अपना काम करे सावधानी से करे। तो जय श्री राम, उम्मीद करता हूँ कि मैं लेट तो हुआ और मैं भूल भी गया था, तो लेकिन इनके चार्ट से जो आप क्वेश्चन चाहते होंगे वो इसका आंसर मिलते दिख रहा है। अभी तक 48वां जो साल चल रहा है इनका, और ये अभी आज जुलाई है और न अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर आना है, तो 26 सितंबर का इनका जन्मदिन है, 26 सितंबर के बाद सब कुछ सेटल्ड होता हुआ एक साल के दौरान मुझे दिख रहा है, और देखते हैं उम्मीद कि वो कितना सही प्रिडिक्शन के हिसाब से निकलता है। जय श्री कृष्ण।